मेहता का उल्टा चश्मा। पॉपर भाई, अरे पॉपर भाई क्या विचार में पड़ गए? कुछ नहीं था भाभी। अरे आप जल्दी से घर जाइए, देखिए आज आप भारत के साथ ही घर के बाहर निकलेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे शादी का बहुत टेंशन हो रहा है। ये देखो हरक पदुड़ेस, चुपचाप शादी करके आया तभी कुछ नहीं और अभी शादी का टेंशन हो रहा है। और नहीं तो क्या, पहले शादी करके पूरे गोकुल धाम को सर पे उठा रखा था तो? और अब शादी हो रही है तो बुढ़बक को टेंशन हो रहा है। बोलो। हाँ पोपट भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो? और पोपट लाल तुम्हें काय का टेंशन तो हमें होना चाहिए। नहीं मतलब तुम्हारी शादी की तैयारी जो करनी है हमें। सही बात है। पोपट भाई जाइए, जल्दी घर पे जाइए ना। नहीं नहीं वो क्या है, शादी के बाद मैं सब कैसे संभालूंगा ये सोचकर परेशान हो रहा हूँ। पोपट लाल मैं तो कहता हूँ कि आज के दिन जितनी खुशियाँ मनानी है मना लो, एक बार संसार की बेड़ियों में जकड़ गए तो फिर उम्र भर तड़पना ही तड़पना है। उत्तम विचार है आपले। सांगता माधवी भापीला। अरे नहीं 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 देखला बाबा, मैं सांगू लोग बाबा माफ कर बाबा, काय तरी काय ते तुम लोग क्या हंस रहे हो? हां तू निकलो भाई, जल्दी जल्दी करो सब काम। हां निकलो निकलो जल्दी। अनवरम वो घोड़ा तो 5001 रुपए मांग रहा है। घोड़ा? घोड़े वाला अरे घोड़ा खरीदना थोड़ी है भाई, कैंसल करो भाई, घोड़े को कैंसल कर। अरे भाई पोपट लाल, दूल्हे राजा की सवारी घोड़े पे ही निकलती है दोस्त। तो हाँ लेकिन अति भाई हमारी परंपरा में दूल्हा घोड़े पर नहीं बैठता। अरे भाई पोपट लाल तुम्हारी शादी हमारी परंपरा से होगी। यार भाई आप भी एक नंबर का ढीले सो, मुंह उठा के आ गए, 5001 मांग रहे। अरे 5001 मांगे, 10001 घोड़ा चाहिए मतलब चाहिए। कितने सालों के बाद आज पोपट लाल की शादी की इच्छा पूरी हो रही है। हाँ पोपट भाई घोड़े पे बैठो तो सही, बहुत मजा आएगा। और वो राजा महाराजा तो है नहीं कि बिना शादी के घोड़ सवारी करता फिरे। अरे उसके जीवन का ये पहला और आखिरी मौका है घोड़े पे बैठने का, इसलिए कुछ भी हो जाए घोड़ा चाहिए मतलब चाहिए, लेकर आइए। हाँ अय्यर भाई घोड़ा तो चाहिए। और मैंने भी कहा था ना घोड़ा चाहिए तो चाहिए। हाँ करते हैं कुछ। ओ पप्पू, ओ तू कहाँ घूम रहा है? ओ घर में आ गया, आराम कर, आज तेरी शादी है यार। मैं भी वही कह रही हूँ, पोपट भाई जल्दी जाइए ना घर पे। हाँ जाइए जाइए दूल्हे राजा, हम लोग आते हैं आपको तैयार करने के लिए, जाइए। शायद पोपट भाई फिर से सोच में पड़ गया। उसको लग रहा है कि शायद इस बार भी उसकी शादी होते होते रह जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है भाई, इस बार तेरी शादी होके रहेगी। टप्पू सेना जाओ पोपट अंकल को घर पे छोड़ के आओ। हाँ गुलाब चंद भाई देखो, आप जो भी फूल भेजो सब एकदम तरोताजा होने चाहिए, एक भी फूल बासी निकला तो पैसे काट लूंगा मैं। हाँ अच्छा और एक बात, वो खास तुलसी के 1000 पत्ते भेजने का भूलना मत भाई, सबसे पहले पूजा में वही चाहिए होंगे। शादी की पूजा में 1000 तुलसी के पत्ते नहीं होते? टप्पू के पापा वो तो सत्यनारायण भगवान की पूजा में होते हैं। हाँ अभी मुझे मेरी बीवी ने वही बताया भाई, सॉरी हाँ सॉरी। वो क्या है शादी को इतने साल हो गए ना तो शादी की सारी पूजा विधि सब भूल गया हूँ मैं। अरे बीवी याद रहती है वही बहुत है ना भाई। मजाक मजाक। हाँ अच्छा सुनिए सुनिए भाई, फूल तो अपने गुलाबचंद भाई। हाँ फूलचंद बोल रहा था मैं। हाँ फूल गुलाब एक ही है ना, गुलाब फूल ही है। अच्छा मैं ये बोल रहा था कि आप मुझे कौन से टाइप के फूल कितने भेजने वाले हैं वो पूरा लिस्ट बता दीजिए एक बार जरा। हाँ हाँ देखो दुल्हन को तैयार करने का सारा सामान रेडी है। अरे 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 अ
और ये मेकअप का सामान भी। अरे वाह सरस। देव मम्मी आपकी तैयारी हो गई? कौन सी साड़ी पहननी वाली आप? हाँ अरे बाबा मैं वही पसंद कर रही थी। अरे मुझे भी इतनी कंफ्यूजन है ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शादी में क्या पहनूं। रोशन भाभी वी ऑल आर सेलिंग इन द सेम बोट। समझने के लिए टाइम ही कहाँ है। हाँ। The clock is ticking. वो का है? वैसे हम सब लोग तो तैयार हो जाएंगे, पर जिसे तैयार करना है वो दुल्हन कहाँ पे है? पोपट भाई का घर पर। लो तो पहले कितना अच्छा था नहीं, शादी के दो चार महीने पहले ही माँ बाप दूल्हा दुल्हन का मिलना बंद करवा देते थे, और आजकल शादी के चार दिन पहले ही दुल्हन ससुराल में। दया भाभी आजकल जमाना बदल गया है। फसम फास। किसी को पता है कि दूल्हा दुल्हन शादी के बाद हनीमून पे किधर जाने वाले हैं? नो आईडिया। कुछ नहीं डिसाइड। ओ अरे बबीता जी, अंजलि भाभी, माधवी भाभी, कोमल भाभी, रोशन भाभी सब आए हैं। दया सबको तो ना चाय पानी नाश्ता ठंडा वंडा पूछा के नहीं, शादी का घर है भाई। जेठा जी आज पूरी गोकुलधाम सोसाइटी शादी का घर है। एकदम बराबर बोले आप, लाइए नाश्ता लाइए। जेठा भाई चाय नाश्ता होता रहेगा, अभी तो दुल्हन को तैयार करना बाकी है। हाँ चलो चलो चलो। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। क्या बोलबुल चाय बनाना सीख गई? अरे दामाद जी, अरे वहाँ कहाँ टहल रहे हैं, इधर आइए 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 बैठिए भाई। काहे चिंता कर रहे हैं, नीचे सब तैयारी सब ठीक हो रहा है ना? ठीक चल रही है अंकल, मेरा मतलब है पप्पा जी अच्छी चल रही है। नमस्कार। नमस्ते 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 नमस्ते। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप सब यहाँ? हाँ पोपट भाई, हम यहाँ से किसी को ले जाने के लिए आए। किसे? अरे बुलबुल भाभी को, आज शादी के लिए वो हमारे घर से तैयार होकर आएंगे। लेकिन अब ही तो बुलबुल के शादी का जोड़ा लेना भी बाकी है। अरे चिंता मत कीजिए, वो सब आ गया है। चलो चलो बुलबुल, और हाँ अब तुम पोपटलाल भाई को सीधे शादी में ही मिलोगी। ओके। लेकिन हम अरे बुलबुल भाभी आप बिल्कुल शर्माइए मत, चलिए। वो क्या है, ये आपका ससुराल है और पोपट भाई की आज यहाँ से बारात निकलने वाली है, तो आपका मायका हुआ हमारा घर। तो चलिए मायके चलिए। हाँ चलो चलो। और वैसे भी आज से बुलबुल भाभी आप हमारे लेडीज क्लब की मेंबर हो, तो शर्माइए मत, चलिए। आप भी आइए ना हमारे घर। अरे नहीं नहीं, आप लोग पहले से इतनी तकलीफ ले रहे हैं। अरे अरे आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, हम सब पोपट भाई का परिवार ही है, आप निश्चिंत होके चलिए हमारे साथ। चलिए चलिए। अरे हाँ पोपट भाई, अभी थोड़ी देर में हम सब बहने आपको हल्दी का उपचंद लगाने के लिए आने वाले हैं, तो तैयार रहना। दूल्हे राजा। इन लोगों को मुझे हल्दी लगानी है और मैं इनको चूना लगा रहा हूँ। हल्दी का उपटन क्यों? पोपट पोपट भाई भोड़ा तो भोड़ा। अरे शादी के पहले हल्दी का उपटन लगाने से दूल्हे राजा चकचका चमकने लगते हैं। नहीं चमकना है मुझे। क्यों? मेरा मतलब है वो मुझे हल्दी से एलर्जी है, अगर हल्दी का उपटन लगेगा तो फिर पूरा दिन खुजली होती रहेगी इसलिए। अरे नहीं नहीं पोपट भाई को एलर्जी है तो फिर हल्दी की रस्म कैंसिल करते हैं। हाँ कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। पोपटलाल भाई अब आप घर से बाहर कहीं मत जाइए, आपको अगर कोई भी चीज की जरूरत हो ना आप हमें कह दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या अजीब कश्मकश है, राहुल बुलबुल से प्यार करता है, बुलबुल राहुल से प्यार करती है, मुझे बुलबुल से प्यार हो गया है। आज अगर राहुल टाइम पर नहीं पहुंचा तो बुलबुल मुझसे शादी करने को तैयार है, लेकिन मैं कैसे बुलबुल से शादी कर सकता हूँ क्योंकि बुलबुल तो राहुल को प्यार करती है। हे भगवान ये क्या कंफ्यूजन चल रहा है।
हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, इसीलिए हम भी आपका बहुत ध्यान रखेंगे। ओहो, हाउ स्वीट। और बुलबुल आंटी, सोसाइटी में कोई भी आपको परेशान करे ना, टप्पू सेना को बोल देना। वाह वाह बेटा, बेटे अभी बाकी बातें बाद में करना, बुलबुल आंटी को तैयार करना है ना, तो हमें जल्दी है। ओके ओके ओके, बाय 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 आंटी, बाय 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 आंटी। अच्छा फुलचंद भाई, मैं सॉरी सॉरी सॉरी, गुलाब चंद भाई, वो फूल की बात है ना, तो फूलचंद ही नाम मेरे दिमाग में घुस गया। अच्छा मैं ये पूछ रहा था कि आप सारे फूल कितने बजे भेज रहे हैं? अरे नहीं नहीं, बहुत लेट हो जाएगा, आप एक काम कीजिए, 4 बजे भेज दीजिए। अच्छा धूप में कर्मा जाएंगे सब, तो एक काम कीजिए, जैसे ही सूरज थोड़ा ढीला पड़ने लगे आप सारे फूल भेज दीजिए, ठीक है? ओके ओके, हाँ थैंक यू थैंक यू। ये खाली फूल की जिम्मेदारी है, उसमें तो कितनी भगा दौड़ी हो गई। अच्छा है और कोई जिम्मेदारी मेरे सर पे नहीं है। ए भाई, क्या बैठा क्या? नहीं नहीं, कहाँ बैठा कहूँ? अरे अभी तो पैर लंबे करके आराम से बैठा था और बोल रहा है कि मैं बैठा कहूँ? नहीं नहीं, आप आए उसके 1 सेकंड पहले मैं बैठा। अरे लेकिन तो क्यों बैठा था? शादी के इतने काम पड़े हैं, सब लोग काम कर रहे हैं और तू आराम से बैठा है। नहीं नहीं, मैं काम ही कर रहा था बाबूजी। नहीं नहीं नहीं, बैठने का नहीं, बैठने का नहीं, चलो काम करो काम करो। नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मैं काम ही कर रहा था फूलचंद भाई। अरे तू फिर बैठ गया? नहीं नहीं नहीं, मैं कहाँ बैठा हूँ बाबूजी। चाचा जी नमस्ते। हम लोग अंदर बुलबुल भाभी को तैयार कर रहे हैं। बस बैठे 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 मम्मी जी बैठे। समझी जी, शादी की तैयारियां एकदम जोरों से चल रही है, आपके मुहूर्त के हिसाब से शादी हो जाएगी। अरे आप लोगों का तैयारी तो बहुत जोर चल रहा है, लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आ रही है कि ये हमारे दामाद जी इतना ढीले काहे लग रहा है। अरे नहीं नहीं समझी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे तो हमारा डिब्बा इतना जोशीला है कि पूरी दुनिया हिला देता है, लेकिन क्या है अभी एक दिन में शादी की सब तैयारियां होगी नहीं होगी वो सोच के थोड़ा खुद ही हिल गया होगा। बराबर बाबूजी, बराबर। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे भी इतना हड़बड़ी में ना हमको दामाद जी का पूरा परिचय जानने का अवसर ही नहीं मिला। अच्छा है। अरे समझी जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पोपट लाल आपकी बेटी को एकदम रानी की तरह रखेगा। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन हमारे दामाद जी को पीने का आदत तो नहीं है ना? हाँ है ना, रोज रात को चाहिए ही चाहिए, और सिर्फ दामाद जी को नहीं, गोकुल धाम का सभी मर्द रोज रात को पीते जी। क्या बोल रहे? सोडा सोडा बापूजी सोडा। अब्दुल की दुकान पे हम लोग सोडा पीने जाते हैं ना रोज रात को। हाँ अच्छा अच्छा सोडा, अरे हम तो पता नहीं कहाँ से कहाँ समझ गए थे। वो हमारा अब्दुल है ना, वो मसाला सोडा बहुत अच्छी बनाता है, एकदम A1। लेकिन समझी जी, लड़की के पिता होने के नाते हम आपकी चिंता समझ सकते हैं, लेकिन आप हम पर विश्वास रखिए, आपकी बेटी दुखी नहीं होगी। अरे आप लोग को हो तो फिर हमको किस बात का फिक्र? अरे आप लोगों को देखकर ही तो हम राजी हुए हैं, बताओ। हाँ, और हम तो हमारी बेटी की खबर आप ही के घर फोन करके पूछेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर जरूर, आपको अपनी बेटी की जब भी जो भी खबर पूछनी हो आप बेझिझक फोन कीजिएगा है। आप ऐसा समझना कि आपकी बेटी ससुराल में नहीं अपने मायके में है। अरे ये बापूजी क्या पोपट लाल की गारंटी पे गारंटी ले रहे हैं?
अगर पोपटलाल और बुलबुल के बीच में न करे नारायण कुछ गड़बड़ हुई तो ये इलाहाबाद की बहु मंजिली इमारत तो हम पे ही आके गिरेगी ना। बलदेव भाई आप लोग क्या पियेंगे, चाय कॉफी ठंडा क्या लाऊं? अरे नहीं नहीं बहु इनके लिए चाय नाश्ता लेकर आ। आप लोग शांति से यहाँ बैठिए, चाय नाश्ता कीजिए, तब तक मैं और जेठिया नीचे देख के आते हैं शादी की तैयारी कैसे चल रही है। बाबूजी नहीं 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 हम भी चलते हैं। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे बिटिया का शादी है, हमें भी तो खरीदारी करनी है। हा? जल्दी आ जाएंगे। हाँ पर चाय नाश्ता तो करके जाइए। हाँ अरे नहीं वक्त नहीं है ना, आके चाय पीते हैं। हाँ देखिए समझी जी कैसी है तैयारी। बहुत सुंदर क्या बिल्ली मास्टर, बहुत जोरों से चल रही है तैयारियाँ। यस यस थैंक यू वाह वाह वाह, हमारी सोसाइटी में सब बहुत उत्साही है एकदम। आई 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 जोर शोर से हो रही है तैयारी। एक्सपर्ट हो गया अभी तू ये सब। वाकई बहुत अच्छा तैयारी कर रहे हैं आप लोग। अरे बलदेव साहब मेरा घर बिल्कुल यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे, आइए जरा हमें भी कुछ मौका दीजिए मेहमान नवाजी का। अरे जरूर जरूर भाई, अभी हम शादी ब्याह का तैयारी करने जा रहे हैं, खरीदारी करने हैं। वो भी जरूरी है। ओके ओके आइए। अरे बस करो बच्चों, अरे रात को बजाना भाई, बहुत अच्छा बजाते हो, रात को भी ऐसे ही बजाना है। अरे बच्चे भी उत्साह कैसे काबू में रखते भाई, इतने सालों से पोपट अंकल की शादी का इंतजार कर रहे हो। बोलो। वैसे एक बात, सपने में भी नहीं सोचा था कि पोपटलाल की शादी इस तरह से होगी और वो भी यूं फटाफट। ओए जाट मंगनी और पट ब्याह की बात तो सुनी थी, यहाँ तो नो मंगनी और डायरेक्ट ब्याह हो रहा है। सही बात है, एक बार शादी हो जाने दो इसकी, फिर देखो मजा चखाते हैं। शादी शादी करके जान खा गया तो देखो कैसे चुपके से शादी कर ली। मैं तो क्या पार्टी वगैरह कहीं नहीं। बिल्कुल बिल्कुल मेहता साहब, रोज रात को सोडा शॉप पे 12 बजे तक उसकी परेड करवाएंगे। मतलब कि 12 बजे तक मुझे दुकान चालू रखनी पड़ेगी। कोई बात नहीं जेठालाल, तुम रात को 12 बजे तक जाग पाओगे? हाँ रात को जागने का प्रॉब्लम नहीं है मेहता साहब, सुबह जल्दी उठने का लोचा है। चलो भाई फिर तुम लोग इससे परेड करवाना और एंजॉय करना, क्योंकि मैं तो इतना लेट तक नहीं जाग सकता भाई। क्या मेहता साहब, अरे ये सब बातें छोड़ो आत्माराम, तुमने शादी के शूटिंग के लिए किसी वीडियो वाले को बोला है कि नहीं? अरे देवा मैं कब से याद करने की कोशिश कर रहा था कि मैं क्या भूल गया हूँ, तुम्हें ये भूल गया हूँ। अरे नहीं वो यादें हैं भाई यादें। मेरे को मालूम भी था, लेकिन डोंट वरी मेरे पास लेटेस्ट डिजिटल कैमरा है, शादी का शूटिंग का जिम्मेदारी मेरा। चलो वाह बहुत बढ़िया, तो भिड़ा जरा भावताल नक्की कर ले। क्या बोल रहे तुम, अरे अपने पोपटलाल की शादी का शूटिंग के लिए मैं क्या पैसा लेगा? नहीं नहीं बस ये नक्की हो गया ना भाई भिड़े, वो पैसा कुछ नहीं लेंगे। तो मैं तो बोलता हूँ भिड़े, हमारे सोसाइटी के सब प्रोग्राम में वीडियो शूटिंग का काम अय्यर भाई को ही दे देना चाहिए। जेठालाल क्या अय्यर भाई बहुत सीरियस हो गए आजकल आप, अरे जरा मजाक समझा करो, मजाक किया करो, हंसो हंसो। अरे भाई मजाक बहुत हो गया, अभी जाके पोपटलाल को तैयार करना है कि नहीं करना है? हाँ हाँ चलो चलो जाते हैं। अरे बापूजी हम लोग पोपटलाल के घर पे जा रहे हैं उसको तैयार करने, आप आ रहे? नहीं नहीं तुम लोग जाओ मैं यहीं रुकता हूं। हां ठीक है बाबू, आइए आइए। हां हां जो एकदम अच्छा गाना कोई बजा रहा है। आपके घर में बाहर से मेहमान आए और उसी वक्त घर में पानी चला जाए तो आप अपने दोस्तों को एक पार्टी देने के लिए रेस्टोरेंट में ले गए और आपको पता चला कि जेब में पैसे नहीं है और क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया, तब कैसी स्थिति होगी आपकी? आप बड़े शर्मिंदा होंगे, जी करेगा आपका कि जमीन फट जाए और आप उसमें समा जाए। और अभी सोचिए तो पोपटलाल की स्थिति क्या हो रही होगी, भाई बाराती तैयार है, दुल्हन तैयार हो रही है, हम लोग पोपटलाल को तैयार करने के लिए उसके घर जा रहे हैं, लेकिन पोपटलाल इस वक्त उस यात्री की तरह हैं जो दो राहे पे खड़े हैं, क्या करें क्या ना करें, कहां जाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राहुल अगर नहीं आया तो ये द्वंद है, ये धर्म संकट है पोपटलाल के दिल में इस वक्त, कहीं पोपटलाल को शादी ना करनी पड़ जाए, भाई टेंशन बहुत ज्यादा है। लेकिन जिस तरह से दाल में तड़का होता है वैसे यहाँ टेंशन होता है तो आपके घरों में हंसी होती है। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पता नहीं ये राहुल ने वहां से फ्लाइट पकड़ी है या नहीं, कब पहुंचेगा यहाँ, क्या करूं दोस्त, वक्त सुपर फास्ट ट्रेन की तरह भाग रहा है, कुछ रास्ता दिखा? ये देखो
पत्रकार जी अभी भी छाते से बात कर रहे हैं। छोड़ो छोड़ो छाता। अरे पोपटलाल भाई, तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हारी बीवी घर पे आने वाली है, अभी भी छाते से बात करो। छोड़ दो छाते को। भिड़े भूल गए ना, ये सिर्फ एक छाता नहीं है, ये मेरे सुख दुख का साथी है, जीवन की हर दुख छाव मैंने इसके साथ काटी है। ये सब जानने के बावजूद भी आप लोग मुझे इसे छोड़ने को कह रहे हैं? अरे हम लोग नहीं भाई, ये भिड़े भिड़े। हाँ ये ये। अरे मैं तो मैं कर रहा हूँ भिड़े। ओ ए भाई, क्षमस्व माफिया सभी। लेकिन पत्रकार जी, अभी आपकी शादी होने जा रही है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? डर लग रहा है। तो शादी कैंसिल? अब तो शादी कैंसिल क्या बोल रहे भाई? और पोपटलाल, इस पर डरना कैसा? आत्माराम, इसको डर नहीं, नर्वसनेस बोलते हैं। अरे शादी वाले दिन अच्छे अच्छे लोग नर्वस हो जाते हैं, मैं खुद हो गया था। हाँ, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा ना कि मेरी शादी हो रही है। हाँ जडालाल, मेरा ये पोपटलाल के जैसा नहीं था कि शादी हो ही नहीं रहा था। अरे बबीता पहला लड़की था जो मेरे को देखने को आया था और उसने मेरे को पसंद किया था। बबीता जी सामने सबको देखने आए थे? हाँ, बबीता ने मेरे को देखा, झट से पसंद किया और फटाफट हमारा शादी हो गया। हाँ फिर तो नर्वस होंगे ही ना कि मैं कैसे पसंद आ गया। क्या बोले तुम? ओ यारो, अब मैं अपनी सुनाता हूँ। और मैं तो अपनी शादी में बिल्कुल नर्वस नहीं हुआ था भाई। सॉरी, तुम्हारी तो बात ही अलग है ना, तुम तो अपनी शादी में भी पार्टी समझ के गए होंगे। शादी क्या, अपनी तो सारी जिंदगी पार्टी है। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सभी को यह सूचित करता हूँ कि हम पत्रकार पोपटलाल जी को अभी नहलाते हैं और उसके बाद शादी के लिए तैयार करते हैं। क्या नहलाते हैं, मैं खुद जाकर नहा लूंगा। पक्का? हाँ पक्का, मेहता साहब पक्का। अभी ठीक है, फिर ठीक है। अरे आ गया भाई पोपटलाल, मैं भी आ गया। एकदम सांस फूल रहे हैं आप, आराम से बैठ जाइए भाई। थैंक यू अब्दुल, बैठ जाए। ये अच्छा है भाई, चारा और कोई चारा ही नहीं है भाई। ये चला चला, कितनी बड़े लगते हैं। हाँ भाई पोपटलाल, पोपटलाल कहाँ है? वो नहाने गए। चल हम भी आराम से बैठे हैं। कितना नहा रहा है? मुझे तो डर है कि बिल्डिंग की टंकी खाली ना कर दे, इसलिए मैं कह रहा था कि हम लोग नहलाते हैं इसको, एक बाल्टी में काम तमाम कर देते। मेरे इसको क्या सब्जेक्ट लेके बैठ गए भाई, कितने सालों बाद उसकी जिंदगी में मौका आया तो नहाने तो नहाएगा थोड़ा सा। अरे मेहता साहब, आप मेरा टेंशन समझ नहीं रहे, शादी में मेहमान आने वाले हैं, एंड टाइम अगर पानी खत्म हो गया तो कहाँ से लाएंगे। अरे छोड़ो यार, शावर बंद हुआ, आएगा आएगा भी आएगा। हो गया हो गया हो गया। अरे नहा लिए पोपटलाल? अरे हाथी भाई, आप कब आए? आप जब नहा रहे थे तब मैं आया। आप भाई, आज इसकी शादी है ना, इसकी। अरे भाई कितना टाइम लगा रहे हो नहाने में? अरे भाई जेठालाल, अरे भाई हमारे पत्रकार जी के लिए कुंवारेपन का आखिरी स्नान था तो वक्त तो लगेगा कि नहीं है। लेकिन एक बात है पोपटलाल जी, हमारे दूल्हे राजा नहा के एकदम सोने की तरह चमक रहे हैं। चमकेंगे कैसे नहीं मेहता साहब, मेरे दिए हुए केसर चंदन के साबुन से जो स्नान किया है। क्या बात है। अब्दुल चलो अभी शेरवानी पहना इनको। तैयार होने से पहले मैं डूबते हुए सूरज के दर्शन करना चाहता हूँ।
अरे भाई उगते हुए सूरज के दर्शन किए जाते हैं, डूबते हुए सूरज के नहीं। सही बात है। वो क्या है कि मेरे कुंवरेपन का आखिरी सूर्यास्त है ना, तो इसलिए मैं डूबते हुए सूरज के दर्शन करना चाहता हूँ। कुंवरेपन का आखिरी स्नान, कुंवरेपन का आखिरी सूर्यास्त है भाई इतने सालों से। राहुल आज टाइम पे नहीं आया तो मेरी दुनिया हिल जाएगी। ये राहुल का फोन क्यों नहीं लग रहा, क्या करूं? शायद उसने बुलबुल को फोन किया हो। बुलबुल को फोन ट्राई करता हूं। ये ये देखो बुलबुल, बहुत अच्छा है, मस्त है ना। ये देखो बुलबुल, ये कितना सुंदर है, पेंसिल खरीदा है। ये देखिए मैचिंग एकदम। ये देखो जोड़ा, देखो शादी का। कैसा है? अच्छा है। तुम पे बहुत सुंदर लगेगा। हेलो पोपट भाई, अंजलि भाभी ने क्यों फोन उठाया? फोन कट हो गया। क्या करूं? मैंने फोन तो करना ही पड़ेगा। हेलो पोपट भाई। अंजलि भाभी, वो बुलबुल से जरा एक मिनट बात करनी थी। बुलबुल से बात करनी है? पोपट भाई, बुलबुल से बात करने के लिए जिंदगी पड़ी है। फिलहाल आप फोन रखिए, हमें उसे तैयार करना बाकी है। बाबा रखिए रखिए, बाद में बात कीजिएगा। सुनिए सारा, सुनिए, कैसे पता चलेगा कि राहुल वहां से निकला है कि नहीं? चलो पोपटलाल, दूल्हा बनने के लिए तैयार हो जाओ। लो आ गए भाई पोपटलाल, आ गए। आओ भाई आओ। मजा आया, डुबा दिया सूरज का। डूब गया आप सब। तो भी फाइनली शेरवानी पहनोगे? अरे भाई पूछो मत भाई, पहना, हमको भी फिर तैयार होना है ना। वाह मस्त मस्त तैयार किया नहीं हम लोगों ने? क्या बात है, वाह बहुत अच्छा। कपड़ेलाल सच में एक बात कहूँ, तुम शेरवानी में बहुत अच्छे लग रहे हो। अरे तो उसमें कंप्लेन क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं जेठालाल, असल में अय्यर भाई कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, असल में अय्यर कंफ्यूज हो गया है कि शेरवानी अच्छी है पोपटलाल। अरे नहीं नहीं मैं तो साहब, आप क्या मजाक कर रहे हैं, मैं तो कॉम्प्लीमेंट दे रहा था। पोपटलाल तुम शेरवानी में बहुत अच्छे लग रहे हो। सही बात है पोपटलाल, शेरवानी बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा लेकिन पोपटलाल अभी मेहरबानी करके शेरवानी के ऊपर अपनी वो पत्रकार वाली जैकेट मत पहनना भाई। हाँ चलो पोपटलाल तुम्हारी एक तस्वीर खींचता हूँ। और एक और एक और एक। अरे भाई पोपटलाल की अकेले की तो फोटो खींचने दो। अरे भाई ऐसा बोलना है यार, तू बोल रहा है एक और, मुझे लगा वो वाली अच्छी नहीं आई। चलो रेडी, 1 2। पोपटलाल स्माइल तो करो। स्माइल रेडी, 1 2 साढ़े मारे। फोटो खींच गए बड़े मास्टर। चलो पोपटलाल तुम यहीं बैठो, हम लोग भी अपने घर तैयार होने जाते हैं। हाँ भाई हमको भी तैयार होना है। तो पोपटलाल अभी तुम तैयार हो गए हो, आराम से इधर बैठो, टप्पू सेना आएगी तुमको मंडप तक ले जाने के लिए, ठीक है? तब तक ना आराम से मजा करो, टीवी बीवी देखो, शांति से योगा बोगा करो कुछ एकदम। कुंवरेपन की आखिरी शाम, पूरा जिंदगी का सब जो सब याद करो। चलो भाई चलो, हम तैयार हो गए। हाँ पत्रकार जी बोलिए। बुलबुल राहुल का फोन आया, कुछ पता चला वो वहाँ हांगकांग से निकला या नहीं? नहीं पत्रकार जी, अब तक कोई बात नहीं हुई है राहुल से। हे भगवान, इन्होंने तो मुझे पूरा दूल्हा बना दिया है। बुलबुल अब क्या करेंगे? हमने आपसे कहा ना, भोलेनाथ जी की जो इच्छा होगी उसे हम स्वीकार कर लेंगे। मुझे लगता है हमें भाग जाना पड़ेगा। अरे पोपट भाई, अब इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? डरा भाभी, डर गया।
शादी के बाद हम सब आप दोनों को थोड़े दिन के लिए दूर भगाने ही वाले हैं, समझे? आप पहले मुझे ये बताइए, आप तैयार हुए कि नहीं? मैं तैयार हो गया हूँ दया भाभी, वो जरा एक मिनट बुलबुल से बात करवाइए ना। नहीं 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 पोपट भाई, अब तो आप बुलबुल भाभी को शादी के मंडप में ही मिलेंगे। चलो भाई। सुनिए सुनिए भगवान, क्या करूँ? दोनों कब से बातें कर रही है? चलो। पोपट भाई का फोन था वापस। पोपट भाउजी से कहीं खरा नहीं आज, कब से फोन कर रहे? चलो चलो दया भाभी, बुलबुल भाभी को भी तैयार करना बाकी है। कुछ चाहिए तो बोल देना, मैं यहीं पे खड़ा हूँ। अरे वाह टप्पू सेना, रेडी हो तुम लोग? ओहो घोड़िया, ये तो पहचान में नहीं आ रहा है। थैंक यू। अरे तुम लोग रेडी तो पोपट को लेके आओ ना, वो टप्पू और गोगी के वेट कर रहे हैं। हाँ तो वो आ जाएंगे पीछे पीछे, तुम लोग जाओ। ओके चल। ओ मिडू, और चिंता मत कर, अभी पप्पू का उठा के लेके आता हूँ। ए भाई उठा के नहीं लाना है भाई, उसकी शादी है, आजा। मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार। तू लोग चलो बच्चों, पप्पू का लेके आते हैं। एक बार और राहुल को फोन ट्राई करता हूँ। टप्पू जल्दी आना, टप्पू मर गए, आ गए ये लोग। ओ पप्पू मेरे यारा, क्या सोच रहा है? और चल नीचे सल्तरा इंतजार कर रहे हो? क्यों पोपट अंकल, आपकी बारात निकालने का वक्त हो गया है, चलो जल्दी। चल चलो। ये जो किया है अभी थोड़ा सा खर्चा हो गया अपना सोसाइटी का, लेकिन 125 रुपए बचते हैं। बापू जी जबरदस्त है ना सब। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, आज सोसाइटी दुल्हन की तरह सज गई है। फिर से शादी करने का मन हो रहा है, बस बहुत बढ़िया सब। अरे भाई पोपटलाल दुल्हन ला रहा है तो सोसाइटी भी दुल्हन की तरह सज गई आज। सही बात है। वैसे एक बात है भिड़े, आज तो तुम भी जच रहे हो। तुम भी मतलब? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब आज भी तुम जच रहे हो। थैंक यू माता, थैंक यू। अरे हाथी भाई, आपसे कहा था ना मैंने कि मेहमानों के खाने का इंतजाम करना है, खुद के खाने का नहीं, इसलिए उनके लिए भी कुछ बचा के रखना भाई। मेहता साहब आप चिंता मत कीजिए, ये मेरा कोटा है, मेहमानों के लिए अलग से है। तो टेस्टिंग चल रहा है, टेस्टिंग है ना। आगे हमारे वीडियोग्राफर। ओहो बराबर करना यार भाई, शूटिंग एकदम बढ़िया। मैं तो कहता हूँ आप है ना पहला गसी पचा के करो, ऊपर से पूरी सोसाइटी अच्छी लगेगी। यार भाई मेरा लड्डू खाते हुए। बैटरी बचानी है। आराम आराम से। अरे आपका उंगली आगे आ रहा है। अरे भाई बराबर करना सब एकदम, देखो चकाचक सब शूटिंग करना वीडियो। झड़ालाल शूटिंग कैसा करना है ये तुम मेरे को मत सिखाओ। क्या हो गया, क्या खाके? अरे खाली बोल रहा हूँ भाई, शुभ अवसर है, जरा शांति रखो। सेठ जी, अरे आराम से संभाल ना नटू काका, आराम से देख कर बेटा। अरे ये क्या है, इतना बड़ा तोहफा क्यों लेके आए आप लोग? अरे सेठ जी जितनी बड़ी खुशी उतना बड़ा तोहफा। आज कितने सालों बाद पोपट भाई की शादी का दिन है, कितनी बड़ी खुशी की बात है। अरे वो बराबर है, लेकिन इतना बड़ा तोहफा कोई देता है? इतना बड़ा तो हम लोग भी कोई नहीं देने वाले है। क्या है क्या इसमें? एलईडी टीवी। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का?
तुम लोगों को मैंने 5,000 गल्ले में से निकालने को बोला नए कपड़े खरीदने के लिए, तो तुम लोग तो पूरा एलईडी टीवी उठा के ले गए दुकान में से। अरे अक्कल है, अक्कल है बागा। सेठ जी पूरी बात तो सुनिए। अभी सुनने जैसा रखा ही क्या है? नहीं इसमें एलईडी टीवी नहीं है। अभी तूने ही बोला ना एलईडी टीवी, अभी खुद बोल रहा है एलईडी टीवी नहीं है। नो 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 सेठ जी, बिफोर कंप्लीटिंग हिज सेंटेंस यू जंप्ड बिटवीन। अरे मेहरबानी करके अभी अंग्रेजी छोड़ो, जो बोलना हिंदी में बोलो। मैं समझाता हूँ सेठ जी। समझाओ। ये सिर्फ एलईडी टीवी का बॉक्स है, इसमें 12 अलग अलग कलर की छतरी है और 2 कवर है जिसमें 101 के 2 मोबाइल रिचार्ज है। ऐसा बोलो ना भाई, एक सेकंड के लिए मुझे तो लगा है। और वैसे भी सेठ जी, आपको पूछे बिना इतना महंगा टीवी अपनी दुकान में से हम कैसे किसी को गिफ्ट में दे सकते हैं? हाउ कैन इट इज पॉसिबल विदाउट योर परमिशन? वही वही, लेकिन मुझे लगा अचानक क्या हो गया भाई तुम दोनों को। वैसे तो समझदार हो फिर भी कुछ बोल नहीं सकते है आजकल। ये जवाई राजा कहाँ है? अरे टपू सेना उसे लेने गई है, आती होगी। अरे टपू सेना, हेलो। अरे भाई कहाँ रह गए पोपटलाल? अरे पोपटलाल, ओ पोपटलाल, हेलो। लो जी घोड़ा आ गया, लेकिन घोड़े पे बैठने वाले का पता नहीं है। अरे पोपटलाल घोड़ा भी आ गया है, लेकिन ये डिब्बा इतना टाइम क्यों लगा रहा है? अरे वो अय्यर भाई, उधर हरे पोपट का शूटिंग क्या कर रहे हो? अभी इधर लाल पोपट आएगा। पोपटलाल बाबूजी, पोपटलाल आएगा, उसका शूटिंग करो जल्दी, उसकी एंट्री होगी जल्दी। आओ आओ भैया। और बोल रहे मुझे सब मालूम है, मुझे मत सिखाओ क्या। अरे जा उधर उधर, अरे हमको नहीं भाई, उधर आ। अरे भाई भाई वेरी गुड। ए माधवी, ए सगे यहां इकडे पोपटलाल आलो आहे। चमक रहे हो। पोपट भौजी मस्ता दिसता है। पोपट भाई को किसी की नजर ना लगे। हेलो, वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक्स। जी जी जी, दिस इज तारक मेहता फ्रॉम इंडिया, गोकुलधाम सोसाइटी मुंबई। जी आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। असल में यहाँ आधे घंटे बाद एक ऐसी अनोखी शादी होने वाली है जिसका दूल्हा अभी तक तय नहीं है। लेट मी स्पीक इन इंग्लिश। या या, वी आर गोइंग टू हैव अ मैरिज हियर जस्ट आफ्टर हाफ एन आवर। इन दैट मैरिज हु वुड बी द ग्रूम, नोबडी नोस। या या, आई विल ईमेल यू। या थैंक यू सर, थैंक यू। अनोखी शादी भाई, जो दुनिया में नहीं होता वो गोकुलधाम में होता है। अब देखिए ना, एक ऐसी शादी होने वाली है यहाँ पे कुछ देर बाद, जिसमें सब कुछ तय है, बाराती तय है, जगह तय है, मंडप तय है, दुल्हन तय है, लेकिन दूल्हा कौन होगा ये तय नहीं। अब देखिए तो वक्त मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता चला जा रहा है। अब पोपटलाल की शादी होगी या नहीं, राहुल आएंगे या नहीं, सबको सच पता चलेगा या नहीं, बहुत सारे नहीं यहाँ पे प्रश्न बन के खड़े हुए। वैसे एक नहीं, कल हमारी जिंदगी में और होगा, सूर्य उगेगा, एक नई खुशियां लेके आएगा हमारे जीवन में। अब देखना यह है कि ये जो नया वर्ष है, इस नए वर्ष में आपके जीवन में हम कितना हर्ष भरते हैं। भाई आपके जीवन में हम इसी तरह से खुशियां बरसाते रहेंगे, हंसी लाते रहेंगे, लेकिन इस वक्त पोपटलाल के चेहरे पे हंसी नहीं है। अब पोपटलाल की जिंदगी में क्या होगा, इस शादी के मंडप पे दूल्हा कौन बनेगा, ये आपको अगले वर्ष में यानी कि अगले एपिसोड में पता चलेगा। चिंता मत कीजिए, बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बुलबुल कहाँ है? दूल्हे राजा, दुल्हन हमारे घर पर है। पोपट भाऊजी, पहले आपकी बारात निकलेगी, उसके बाद दुल्हन की डोली उठेगी। उतावला, आज तो हम शादी का डबल मजा लेंगे, क्योंकि हम लड़की वाले भी हैं और लड़के वाले भी। मम्मी जी।
अरे लेकिन मजा तो तब लेंगे ना जब भाई बारात निकलेगी, और बारात कब निकलेगी पोपटलाल जी, जब आप घोड़े पे बैठेंगे। जरा जल्दी कीजिए, घोड़े को और भी बारातों में जाना होगा भाई। उससे पहले मुझे बुलबुल से मिलना है। असल में दया भाभी, मेरे गुरु ने कहा है कि पोपटलाल जब भी तुम्हारी शादी हो तो मंडप में जाने से पहले मेरा दिया हुआ गुरु मंत्र अपनी होने वाली दुल्हन के कान में फूंक देना। तो वो रसम निभानी जरूरी है। अच्छा अच्छा, जाइए जाइए। तो ठीक है दामाद जी, मिलाइए। पोपट भाई ये लीजिए घर की चाबी। हाँ, मैं बस अभी जाकर आता हूँ। कुछ अलग रसम है तो हंस को तो मिले। भाई बड़ी मुश्किल से तो। अरे अभी हाँ, बचा के रखो भाई हाथ पाओ। ऐसे कैसे गुरु, ऐसे गुरु मंत्र होगा? बुलबुल बुलबुल बुलबुल, ये राहुल का कोई अता पता नहीं है, उसका फोन भी नहीं लग रहा। अगर वो नहीं आया तो हमारी शादी हो जाएगी। पत्रकार जी, शायद यही भोलेनाथ जी की इच्छा है। समझने की कोशिश करो, तुम मुझे जानते ही कितना हो। हमने आपको जान लिया है। इन दो दिनों में आपको जितना जाना है उतना काफी है हमारे लिए। जो इंसान एक अनजान लड़की की इतनी मदद करके भी उस पर कोई हक ना जाता है, उसके बारे में हमें और कुछ नहीं जानना पत्रकार जी। बस अब आपकी और हमारी जिंदगी का रास्ता एक ही है। बिल्कुल, तुम भावुक होकर मुझसे शादी करने का फैसला कर रही हो, लेकिन तुम प्यार राहुल से करती हो। देखो अभी भी सोच लो, तुम आग से खेल रही हो। नहीं पत्रकार जी, शायद अब यही हमारी किस्मत है। हे भगवान, क्या सिचुएशन है, इसमें खुश हो या दुखी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पत्रकार जी जाइए, सब दूल्हे का इंतजार कर रहे हैं। मैं भी तो दूल्हे का इंतजार कर रहा हूँ। घोड़ा इंतजार कर रहा, तुम लोग इतना टाइम लगा रहे हो। चलो भाई चलो, कन्या को मंडप में लेके आइए, विधि शुरू करनी है, समय बीता जा रहा है। पोपट भाई, हम सब बहने आपकी दुल्हन को लेकर आ रहे हैं। हां जल्दी जल्दी, समय समय बीता जा रहा है। वाह वाह, कहाँ जा रहे हो? वो जरा ओ अच्छा अच्छा। अरे पोपटलाल, दो माले तक जाते जाते तो अरे बहुत कष्ट हो जाएगा। सबसे नजदीक तो मेरा घर है, वहीं हो आप? हाँ बराबर है, जाओ जाओ लेके जाओ लेके जाओ। चलो चलो। अरे आप कहाँ आ रहे हैं भाई? घर का दरवाजा खुला है ना? हाँ घर तो खुला ही है। तो मैं जाकर आता हूँ। ओ यार भाई, आप यहीं रुकिए ना, मैं जरा जाकर आता हूँ, आप रुकिए यहाँ पर। वाह, इमरजेंसी में आके डॉक्टर ही काम आया। अरे ओ यार भाई, आप कहाँ जा रहे हो साथ में? अभी दुल्हन आएगी, उसका वीडियो शूटिंग करना है भाई। आओ भाई आओ। हाँ फिर बोलते हैं तो कि मुझे मत सिखाओ, मुझे मत मालूम है। ये क्या, ये मालूम है? तो बेचारा बाथरूम जा रहा है, उधर क्या वीडियो शूटिंग करने का? बैटरी संपल बाबा।
यार भाई आप भी ना यार उधर कहाँ जा रहे हैं आप शूटिंग क्या का शूटिंग पप्पू ओ इतनी जल्दी आ गया है यार डिब्बे यहाँ क्या कर रहे हैं जा जाके मंडप में जाके बैठ अरे बुलबुल भाभी आइए डोली में बैठिए हाँ हाँ मस्त सजाइए सब से लड़िए देखो भी डोली में मंडप तो यहीं पे है हाँ बुलबुल डोली में बैठेगी ये लोग डोली उठा के ऐसे घूमेंगे इतने में मंडप आ जाएगा नहीं नहीं पापा पूरी सोसाइटी का चक्कर लगाते हैं ये शादी है या दिवाली अरे नट्टू काका दूल्हे के लिए फटाके फोड़े तो दुल्हन के लिए भी फटाके फोड़ने पड़ेंगे ना नाचो संभल संभल भाई अरे बच्चे लोग समझते नहीं सब दिवाली मना डाले किसने बोला पटाखे फोड़ने के लिए तुम्हें इतना पास नहीं जाना चाहिए मैं कहाँ पास गया मैं सब पटाखे वहां से यहाँ पे आ गया नहीं बहुत उड़ रहे हैं भाई और टप्पू अरे क्या है ये और नहीं तो क्या सॉरी 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 भिड़े अंकल अरे भिड़े मास्टर जरा सा टच होकर निकला है कोई बात नहीं तुम खतरे से बाहर हो चलो शायद विधाता ने बुलबुल के लिए इन्हें ही पति चुना था कितना दम पछाड़ा किया इसने शादी के लिए है चलो आखिर ऊपर वाले ने सुनी ली है हो गई शादी हो रही है हो रही है वो गीता में लिखा है ना कि समय से पहले और भाग्य से अधिक ना कभी किसी को मिला है ना कभी किसी को मिलता है बिल्कुल सही कहा संत जेठालाल जी समय समय की बात है समय समय का योग लाखों में बिकने लगे दो कौड़ी के लोग नहीं नहीं जनरली कह रहा हूँ पोपटलाल के लिए नहीं ओम शांति शुभम कल्याणम समर्पयामि डिब्बा जंच रहा है सही बात है बुलबुल भाभी और पोपट भाई की जोड़ी मस्त लग रही है नहीं कोई लड़की घर से भाग के पोपटलाल के साथ शादी करने के लिए तैयार है ये बात अभी भी मुझे हजम नहीं हो रही है चुरण दू आप कहो मुझे भी तो हजम करनी है बात शाबाश पोपटलाल शाबाश अरे सुन ही नहीं रहे आप कहाँ सुनेगा गया हाथ से नहीं नहीं गया कान से कन्यादान के लिए कन्या का माता पिता मंडप में पधारिए मम्मी जी हमारे किटी पार्टी में एक और मेंबर पड़ गया देखो भाई पोपटलाल अभी तक शादी के लिए विलाप करता था अब विलाप की जगह मिलाप हो गया दुल्हा और दुल्हन फेरे के लिए खड़े हो जाइए अय्यर भाई तैयार है ना अभी वो फेरे लेंगे वो मैंने वो छुटना नहीं चाहिए उसका शूटिंग खास करना हाँ जेठा लाल मेरे को मालूम है क्या करना है हाँ है ना हाँ हाँ बिल्कुल ये एपिसोड यही खत्म हो गया आपकी तरह मैं भी टेंशन में हूँ साहब कि ये एपिसोड यहाँ क्यों खत्म हो गया अभी तो बहुत जरूरी था ये जानना कि क्या होगा
भाई पंडित जी फेरों के लिए आह्वान कर चुके हैं, बुलबुल मंडप पे पहुंच चुकी है और राहुल का ना कोई फोन है ना राहुल का आता पता। अब क्या होगा, कहीं पोपटलाल को बुलबुल से शादी ना करनी पड़ जाए। क्या पोपटलाल बुलबुल से शादी करेंगे? भाई सवाल बहुत सारे, और अगर सचमुच राहुल आ गए तो भूकंप आ जाएगा। क्या बलदेव राहुल को दामाद के रूप में स्वीकार करेंगे? और गोकुल धाम वालों को अगर सच का पता चल गया तो उनके मन पे क्या बीतेगी? और पोपटलाल का इस बार खुद को और परिस्थितियों को माफ कर पाएंगे? पोपटलाल का हाल इस वक्त दलदल में फंसे व्यक्ति की तरह, जितना बाहर निकलने की कोशिश करते हैं उतने ही फंसते चले जाते हैं। अब देखना यह है कि बुलबुल की शादी किससे होती है कल, क्योंकि बुलबुल की शादी तो उसी से होगी जिससे ईश्वर चाहेंगे, भगवान भोलेनाथ जिससे चाहेंगे उससे बुलबुल की शादी होगी। अब बुलबुल के भाग्य में कल क्या होगा, भाई कल का एपिसोड देखना बड़ा ही आवश्यक है। लेकिन बुलबुल के भाग्य में कल क्या होगा ये तो ईश्वर जाने, लेकिन आपके भाग्य में हंसी हंसी होगी ये निश्चित है। दोस्तों आप सभी को तारक मेहता का उल्टा चश्मा की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं नव वर्ष की। वैसे शुभकामनाओं की जरूरत तो पोपटलाल को है। क्या होगा कल, किससे होगी बुलबुल की शादी, देखना मत भूलिएगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इस हार में पोपटलाल की जीत है। अभिनंदन, कांग्रेस। चाचा जी, पोपटलाल का सदियों का सपना पूरा हो गया। गॉड ब्लेस। डिब्बे को डिब्बी मिल गई। सही बात है। ये विवाह संपन्न हुआ। गंगेत घोड़ा नाला जेठालाल। घोड़ा नहीं, पोपट पोपट। बिटिया रानी का ख्याल रखना, तुम भी ध्यान रखना इनका। हाँ, अच्छा इनके पैर छू। हमेशा खाते पीते रहो, हमेशा तंदुरुस्त रहो, कभी तुम लोगों को डॉक्टर के पास आने की जरूरत ना पड़े। हमारे घर तो आ सकते हैं। अरे हाँ हाँ, हमारे यहाँ तो तुम दोनों की जिंदगी ढेर सारी खुशियों से भरी रहे और कभी किसी की नजर ना लगे। अरे, अरे। यही आशीर्वाद है कि आप दोनों को कभी महंगाई की मार ना लगे, दिन दुगनी और रात चौगनी बचत हो, और हाँ पोपटलाल, सोसाइटी का मेंटेनेंस टाइम टू टाइम भरते रहो। नहीं हो पोपट भाऊजी, आप दोनों का शादीशुदा जीवन बिल्कुल अचार की तरह हो, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा। हमारा ऐसा ही है। क्या कहूँ पत्रकार मित्र, मैं आप लोगों को यही कह सकता हूँ कि जब तक गंगा में पानी कलकल बहता रहे, जब तक ये सूरज चमकता रहे, जब तक चांद चांदनी बिखेरता रहे, जब तक पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहे, तब तक आप लोगों की खूबसूरत जोड़ी बनी रहे। हाँ पोपट भाई, बुलबुल आप दोनों को किसी की नजर ना लगे, हमेशा खुश रहना।
ओए जल्दी से दो से तीन, तीन से छह, छह से नौ, नौ से बारह और बारह से पंद्रह हो जाओ। ओए तुम्हारी जिंदगी की गड्डी प्यारे प्यारे बच्चों से भर जाए। खेलो जी खेलो। मैं तो खुदाई जी से यही दुआ करूंगी कि तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, सुख शांति से आपकी लाइफ बीते। अरे दोस्तों ध्यान दिया आपने, हम लोग इतनी देर से आशीर्वाद दे रहे हैं लेकिन पोपटलाल जी कुछ नहीं बोल रहे। भाई आज ये तय हो गया कि शादी के बाद अच्छे अच्छों का मुंह बंद हो जाता है। जीते रहो जीते रहो, हमेशा खुश रहो। है बुलबुल तुम्हारा कोई भाई है? नहीं। तो फिर पोपटलाल तुम्हें आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी जिंदगी खुश खुशहाल बीतेगी। कहने का मतलब क्या है? ओहो तू बाजू में ही खड़ी है। नहीं मेरे कहने का मतलब ये है कि अपना वो वो हर साला सुंदर की तरह समझदार, विवेकी और आज्ञाकारी नहीं होता ना। फिर भी मैं कुछ समझी नहीं। तो भाई तू आशीर्वाद देना, सब रुके हुए बेचारे रुके हुए, उनको जाना है आगे। आप दोनों की जिंदगी गरबा की तरह झूमती रहे, नाचती रहे, आप दोनों की जुगल जोड़ी सलामत रहे। तुम्हारे जॉब में जल्दी जल्दी प्रमोशन मिलता रहे। ऑल द बेस्ट। आशीर्वाद आशीर्वाद, हमेशा जीवन में हंसते रहो। मुबारक हो पोपट भाई, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे। कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप दोनों के जीवन में प्यार की कभी कमी ना हो। और सात जन्मों का साथ बना रहे। कौन हो तुम? कौन है? ये राहुल है, बुलबुल का असली दूल्हा और आपका असली दामाद। मैं राइटर हूँ, मैं फाइटर थोड़ी हूँ भाई। आ तमाशा ही सब। देखिए अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ऐसे कैसे शांत हो जाए? प्लीज प्लीज ये काम हो जाए। कहीं सब शादी भी आएगी क्या? इसके साथ शादी कैसे हो गया?
शादी की थी फिर? जी नहीं, हमारी शादी सिर्फ एक नाटक था। नाटक? पर ये सब नाटक का है। जब तुम राहुल से शादी करना चाहती थी तो फिर हमको काहे कहा ये पोपटलाल तुम्हारा पति है? एक मिनट, मैं बताता हूँ बलदेव जी, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। असल में आप बुलबुल की शादी अपनी पसंद के लड़के से करना चाहते थे, इसलिए वो भागकर मुंबई आ गई। पर यहाँ भी आपकी पावर उसका पीछा कर रही थी। पुलिस बुलबुल को ढूंढ रही थी। इस लड़की को देखा? और हालात की मारी बुलबुल बिचारी के पास आपके गलत पसंद के लड़के से शादी से बचने का एक ही रास्ता था, राहुल के आने तक किसी से शादी का नाटक। कुछ मत कहिए प्लीज, प्लीज प्लीज प्लीज, इस वक्त हमारे पति बन जाइए। देखिए तुम ना मत कहिए, हमें आपके हेल्प की बहुत जरूरत है। और तभी भोलेनाथ ने मुझे निमित्त बनाया बुलबुल की मदद करने के लिए। मैं और बुलबुल पति पत्नी बनकर सभी से ये बात छुपा कर गोकुलधाम में मेरे घर आए। मैंने सभी से बुलबुल को बड़ी मुश्किल से छुपा कर रखा। क्या करती हो तुम? कितनी आवाज आ रही थी घर से, पता है कितनी मुश्किल से लोगों को समझाया मैंने। फिर सभी को पता चल गया। क्या हुआ? बुलबुल को बाहर निकालो। और उसी वक्त आप भी आ गए। आपने हमारी शानदार तरीके से शादी का ऐलान कर दिया। हम कल ही इस गोकुलधाम में अपनी बिटिया बुलबुल और श्रीमान पोपटलाल जी का ब्याह धूमधाम से करेंगे। मैं और बुलबुल फिर भोलेनाथ के मंदिर गए और तभी बुलबुल ने मुझे सच बताया। सच्चाई यही कि हम राहुल नाम के एक लड़के से प्यार करते हैं। तभी कुछ पल के लिए मेरे पांव तले से जमीन खिसक गई। मैं खुद के पैरों पर खड़ा नहीं रह पाया। कल हम आपसे सच्चे दिल से शादी करना चाहते हैं। दो ही पल में मुझे एहसास हो गया कि बुलबुल ने जो किया उसमें दोष बुलबुल का नहीं, हालात का है, आपकी गलत सोच का है। सारी सच्चाई जानने के बाद मैं कैसे तुमसे शादी कर सकता हूँ? राहुल के बारे में तो सोचो, उसका क्या होगा? अरे पगली, जीवन में सच्चा प्यार एक ही बार होता है। और तभी मैंने फैसला किया कि बुलबुल की शादी उसके प्यारे राहुल से कर, और इसमें हमें भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल गया और राहुल और बुलबुल की शादी हो गई। थैंक यू पत्रकार जी, हमने तो जानबूझ के आपका दिल तोड़ा, आपके साथ शादी का नाटक किया, फिर भी आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा। आज अगर आप हमारा साथ नहीं देते तो शायद राहुल हमारे साथ नहीं होता। थैंक यू। ये सब सरासर झूठ है, हम इस शादी को नहीं मानते, ये सब जरूर एक नाटक होगा। नहीं बलदेव जी, ये नाटक नहीं है, असली शादी है। ये सारे असली बाराती है, असली मंडप है, पंडित जी ने असली रीति रिवाज और मंत्रों से आपकी बेटी बुलबुल और राहुल की शादी कराई है। और असली कैमरा से अय्यर भाई ने असली वीडियो शूटिंग किया है। हाँ, ये पूरा शूट किया मैंने। ये 100% असली शादी है, नाटक नहीं है। ये नाटक ही है, हम इस शादी को नहीं मानते। क्यों नहीं मानता? अरे भाई, तूने पहले ही अपनी बेटी की इच्छा जानने की कोशिश की होती तो आज ये नौबत नहीं आती। भाई बलदेव, अब तो शादी भी हो गई और तूने अपनी बेटी का कन्यादान भी कर दिया और दामाद को आशीर्वाद भी दे दिए, अब तो तुझे इस शादी का स्वीकार करना ही होगा। और बलदेव जी, एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि कोई बेटी अपने माँ बाप के खिलाफ ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती। बुलबुल ने भी ये कदम मजबूरी में उठाया है, अपनी इच्छा से नहीं उठाया। तो बताइए, इसका जिम्मेदार कौन है, वो या आप? भाई बलदेव, जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो वो हमारी उंगली पकड़कर चलते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हमें उनका हाथ थामकर चलना चाहिए, हमें उनके साथ चलना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी मर्जी के हिसाब से ही जिए। वाह वाह बापूजी वाह। हम अपने बच्चों से ज्यादा आशा रखते हैं और उसी वजह से हम जिद्दी और स्वार्थी हो जाते हैं, फिर ना हम अपना और ना ही अपने बच्चों का भला बुरा समझ पाते हैं। हाँ करेक्ट है बलदेव जी, दरअसल आपको इन दोनों के विचारों को समझना चाहिए। शक्य असेल तर देखिए बलदेव जी,
एक चीज हमें समझनी चाहिए कि हम लोग क्यों ये जात पात, ऊंची नीची बिरादरी, अमीरी गरीबी में उलझे रहते हैं। अगर दो लोगों को जिंदगी साथ काटनी है तो दिल मिलने चाहिए। दिल मिलते हैं तो प्यार से सारी जिंदगी कट जाती है। अरे राजनीति में जोड़ तोड़ होती है, वहां मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होती है, वहां स्वार्थ के कारण लोग मिलते हैं और जुड़ते हैं। दिल स्वार्थ के कारण नहीं मिलते बलदेव जी, और ये चीज हमें समझनी चाहिए कि इन लोगों का दिल मिला है। बिल्कुल बिल्कुल मेहता, क्या बुलबुल की खुशी में आपकी खुशी नहीं है? पापा, मम्मी, सॉरी, हमें झूठ बोलना पड़ा, पर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें अपना लीजिए ना। अंकल जी, मैं बुलबुल से बहुत प्यार करता हूँ, उसके लिए मैं नौकरी छोड़कर आया। मैं हर घड़ी हर दम आपकी बेटी को खुश रखूंगा, ये वादा है मेरा। अरे भाई बलदेव, शादी से पहले तूने क्या कहा था मुझे? शायद विधाता ने बुलबुल के लिए इन्हें ही पति चुना था। मैं कितना बड़ा मूर्ख था कि मैं उस विधाता के लेख को बदलने चला था। कहा था ना तूने, तो फिर? अरे बेटी की खुशी के लिए इतना नहीं सोचते। हाँ बोल ले। बलदेव जी सोच क्या रहे हैं? हाँ बोल दीजिए। हाँ बोल दीजिए ना। हाँ बलदेव जी प्लीज, इतना गुस्सा भी अच्छा नहीं। अरे हाँ बोल दे, सोच मत। बुलबुल बेटा, हमको माफ कर दो, हम समाज में अपना नाक ऊंचा रखने की खातिर तुम्हारा रिश्ता अपनी हैसियत के बराबरी वाले लड़के से तय किए थे, अपना आन बान और झूठा इज्जत के खातिर तुम्हारी खुशियों को बलि पर चढ़ा रहे थे। हम भूल गए थे बेटा कि बेटियां पराया धन होती है। हमें भूल गए थे बेटा कि हम तुम्हारे पिता भी हैं, पालक भी हैं, और पालक जब मालिक बनने का प्रयास करता है तो रिश्तों में कड़वाहट आ ही जाती, चाहे रिश्ता बाप और बेटी का काहे ना। हम गलत थे बेटा, गलत थे, हमें माफ कर दो बेटा। देव पावला, देव पावला, देव नहीं बलदेव पावला। राहुल राहुल, कांग्रेचुलेशंस, गले मिलो भाई, मुबारक हो। Congratulations, Bulbul. Thank you, Pataka ji. और आप लोग कहाँ कहें, आप लोग, आप लोग तो हमको हमारा औकात दिखा दी। हम इतना जल्दी थैंक यू नहीं कहते हैं किसी को, लेकिन आप लोगों को जरूर कहेंगे। आप लोगों ने हमारा आंखें खोल, आप सब लोगों को थैंक यू है जी। और चाचा चंपक लाल जी, अद्भुत हैं आप, आप तो एक पत्थर को भगवान बना सकते हैं। आपके कारण ही हमको अपने बाप होने की जिम्मेदारी का एहसास हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप।
और पोपटलाल जी आपने हमारी बुटिया के जिंदगी में जो खुशियां लाए हैं ना, वो एहसान का बदला अगर हम चाहे ना तो जिंदगी भर में नहीं चुका सकते। अरे हमारी जीत के कारण हमारी बुलबुल घर छोड़ करके भाग गई थी। यहाँ मुंबई में अनजान लोग, बेगाना शहर, और आप बुलबुल की जिंदगी में भगवान बन करके प्रकट हुए। आप ही के कारण आज हमारी बुलबुल की खुशियां लौटी है। और हम कितने बड़े मूर्ख कि मैंने आप जैसे देवता समान आदमी के ऊपर पिस्तौल दाग दी। मुझे माफ। अरे 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 नहीं नहीं बलदेव जी, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? मुझे माफ कर दीजिए। अरे, अरे अरे नहीं 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 बलदेव जी, क्या क्या कह रहे हैं आप ये? वैसे पोपटलाल एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि ये दूल्हे की अदला बदली कब और कैसे होगी? हाँ ये बताओ भाई। That's the main point. बताता हूँ। दोस्तों कल्पना कीजिए कि आप किसी रेस में दौड़ रहे हैं, विनिंग लाइन के नजदीक पहुंचने वाले हैं। ऐसे वक्त में क्या आप अपने से पीछे दौड़ रहे प्रतियोगी को आगे जाने देंगे? क्या उसे जीतने देंगे? शायद आप ऐसा ना करें, लेकिन जिंदगी की दौड़ में कई बार ऐसा करना पड़ता है। हम किसी दूसरे की खुशी के लिए बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं, जानबूझ के हार जाते हैं। शायद यही किया है पोपटलाल ने। लेकिन एक सवाल आपके और मेरे और हम सबके दिमाग में है कि आखिर पोपटलाल ने ये दूल्हे की अदला बदली कब की, किस तरह से? भाई पोपटलाल को हमने खुद मंडप में बिठाया, हम सारे लोग वहां थे, फिर ये दूल्हा बदला कब? मैं जानता हूँ ये जानने की बेकरारी आपको भी है और मुझे भी, हम सबको ये बेकरारी है। लेकिन आखिर इस रहस्य से पर्दा उठाएगा कौन? मुझे लगता है इस रहस्य से सिर्फ एक जादूगर पर्दा उठा सकता है, जिसका नाम है पोपटलाल। तो हास्य के साथ रहस्य भी, रोमांच भी। रहस्य, रोमांच और हास्य से भरपूर अगला एपिसोड देखना मत भूलिए। मेरे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बताता हूँ, जब आप लोगों ने मुझे मंडप में बिठाया ना, उसी वक्त मुझे राहुल का फोन आया, तो फिर मैंने वो नाटक किया। पोपटलाल कहाँ जा रहे हो? वो जरा, और हाथी भाई के घर जाकर मैंने अब्दुल को फोन किया, अब्दुल को सारी बातें बताई और फिर उसने टप्पू सेना की मदद ली। फिर बस एक आइडिया है, अब्दुल और टप्पू सेना। और टप्पू ने अपना दिमाग लगाया, बुलबुल आंटी को डोली में बिठाकर पूरी सोसाइटी का चक्कर लगाया और इतने पटाखे जलाए कि धुआं धुआं हो गया। अच्छा 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 अच्छा, और तभी जब मुझे चटका लगा था सबका ध्यान मेरी तरफ गया था और हमारा काम आसान हो गया। फिर मैं भिड़े की विंग से होते हुए टेरेस पर गया और टेरेस से होते हुए अपने घर पर गया। आ जाओ राहुल। सुनो भाई, टाइम बहुत कम है, हमें फटाफट तैयार होना पड़ेगा। चलो जी। लो राहुल जल्दी चलो भाई। आ जाओ राहुल आ जाओ। अब सुनो, यहाँ से ऊपर टेरेस पर जाओ और भागते हुए जो लास्ट विंग है ना, वहां से उतरकर चुपचाप मंडप में बैठ जाना। ओके जाओ 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 जल्दी जाओ। अरे हाँ सुनो, ये छाता लेकर जाओ, मैं मंडप में छाते के साथ बैठा था। आप थैंक यू। अरे अरे ये क्या करो मैं भाई, ये क्या कर रहे हो? गले मिलो। ऑल द बेस्ट दोस्त। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। और इस तरह राहुल और बुलबुल की शादी हो गई। अरे भाई तुम्हें पत्रकार नहीं, तुम्हें तो मतलब क्या क्या होना चाहिए भाई, टेरेस वेरेस कूद गए हैं पोपटलाल। हम लोग पोपट भाई की शादी की इतनी तैयारियां कर रहे थे और पोपट भाई को पता था कि उनकी शादी नहीं होने वाली है, फिर भी उन्होंने ये बात हम सब लोगों से छुपा के रखी, तब उनके दिल पर क्या बीत रही होगी? पोपट भाई सच में ऐसे हीरो तो सिर्फ फिल्म में देखे हैं। हाँ पत्रकार जी, इन तीन दिनों में हमारे हर एक सास ने बस यही कहा है कि आप इंसान नहीं, देवता है देवता। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे देवता मत बनाओ, इंसान ही रहने दो। मैंने कोई देवता वाला काम नहीं किया, दो दिलों को मिलाना मेरा फर्ज है कि नहीं? अरे आप सब लोग इतना इमोशनल क्यों हो रहे हैं, रुलाएंगे क्या?
That's the spirit, हा? क्या बात? पोपटलाल थोड़ा रोना है तो रो लो, मन हल्का हो जाएगा, रो लो थोड़ा। अरे क्यों रो? ये तो खुशी का मौका है, हमारी सोसाइटी में शादी हुई है। भाई राहुल, भला दूल्हा बदल गया हो लेकिन हम आशीर्वाद दे चुके हैं तो आशीर्वाद तो वही रहेंगे भाई। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खाली सोसाइटी का मेंटेनेंस तुम्हें भरना नहीं होगा। आप सबने मिलकर इतने हंसी खुशी से हमारी बुलबुल बिटिया की शादी कराई, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मम्मी जी क्या बात कर रहे हैं। हाँ दया भाभी, आप सबको भी थैंक यू वेरी मच, आपने हमें बहुत कुछ दिया है। थैंक यू वेरी मच। यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन टप्पू सेना को भूलना नहीं। हाँ। हाँ। कभी नहीं भूलूंगी। पत्रकार जी, फिर से एक बार थैंक यू वेरी मच, आपका यह एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। अरे नहीं नहीं, मैंने कोई एहसान नहीं किया। वो भाई राहुल, ध्यान रखना बुलबुल का, नहीं तो हांगकांग आकर तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। जरूर जरूर पत्रकार जी। और हाँ बुलबुल बेटा, तुम्हारी विदाई गोकुलधाम से हो रही है, तो गोकुलधाम तुम्हारा पहला मायका हुआ, अपने मायके आते रहना। अच्छा तो अब हमें आज्ञा दीजिए। अच्छा पत्रकार जी, अब हम चलते। ओके बाय, ऑल द बेस्ट। पप्पू तेरा दिल बहुत बड़ा है यार। सही बात है पोपटलाल, तुमने दो दिलों को मिला के बहुत नेक काम किया। Hats off to you, my friend. हाँ पोपट भाई, हम सबको आप पे गर्व है। We are proud of you. रियली पोपट अंकल ग्रेट है। पोपट भाई सच में आज आपने बहुत पुण्य का काम किया है, देखना भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। हाँ भले दो चार साल लगेंगे पर ऊपर वाला सुनेगा। दो चार क्या, भले ना 10-20 साल लगे, उसको क्या जल्दी। वो भाई जेठालाल क्या बोल रहा है, अभी उम्र ही काम हुई है। ये भी है। अरे आप सब पोपट भाई का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? पोपट भाई वेरी सॉरी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ। अरे अंजलि भाभी उसमें सॉरी क्या, भले आज मेरा संसार ना बसाओ लेकिन राहुल और बुलबुल का तो बसा है ना, और रही मेरी बात तो आज नहीं तो कल मेरा संसार भी बस ही जाएगा। मुझे भोलेनाथ और आप सब पर पूरा भरोसा है कि आप सब जल्द से जल्द मेरी शादी करवाएंगे, करवाएंगे ना? ओ, मंजे का है पोपट भाई। हाँ, पोपट भाई बहुत जल्द करवाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो आप सबकी दुनिया हिला दूंगा मैं। अरे चलिए चलता हूँ, तो कल सुबह से वापस मैरिज ब्यूरो के चक्कर लगाने पड़ेंगे ना। चलिए बाबूजी सुबह आ गए ये मैरिज ब्यूरो में जाने के लिए। ओके बाय, चलो गुड नाइट। बाय, गुड नाइट, बाय बाय। दोस्तों मजाक की बात बिल्कुल अलग है, हम लोग पोपटलाल का मन हल्का करने के लिए हंसी मजाक कर रहे थे। कमाल का आदमी है पोपटलाल, मुस्कुराते हुए चला गया इतना बड़ा त्याग कर, क्या बात है। मरता क्या ना करता। चलो भाई चलो चलो भाई चलो अच्छा बापू जी चलते हैं, सेठ जी कल दुकान में मिलेंगे। हाँ ठीक है ठीक है। बिल्ली आए ना,
दोस्त मुझे देखकर आज एक नई कहावत बनने वाली है, पोपट की शादी में पोपट का पोपट हो गया। क्या भोलेनाथ जी आप भी, अब सुबह को ऐसा सपना मत दिखाना जो पूरा ना हो पाए। टूटता हुआ तारा, कहते हैं टूटता हुआ तारा देखकर कोई विश मांगो तो पूरी हो जाती है। मेरी तो एक ही विश है, बोले ना जी प्लीज जल्द से जल्द मेरी। क्यों आपने फिर से मजाक शुरू कर दिया ना? लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूं, इस बार मैं अपने लिए नहीं मांगूंगा। ये जो मेरा गोकुलधाम है ना, ये मेरा परिवार है, हमेशा मेरा साथ देता है। तो बस मेरा ये परिवार हमेशा खिलखिलाता रहे, खुश रहे, ये विश मांगता हूँ आपसे। इसे तो पूरी करेंगे ना? और हाँ, मेरा वाला मामला तो आपको याद ही है, आज नहीं तो कल आपको मेरी शादी तो करवानी पड़ेगी। चलिए गुड नाइट। अरे अरे ए, अरे हलू सामान हटा नहीं? नहीं जा रहा है, जा रहा है, तो मुझे देख मेरे पास सही बात। सब बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इस कुर्सी का कुशन ही गायब है, अब इस नुकसान का खर्चा कौन देगा? हाँ वो पता नहीं कहाँ चला गया, सॉरी, लेकिन जो भी नुकसान हुआ है वो सोसाइटी भर देगी। भिड़े साहब अच्छा हुआ पोपट भाई की शादी हो गई। हाँ दोबारा करनी पड़ेगी शादी पोपट लाल की। क्या कल रात को शादी हुई और सुबह टूट भी गई? भिड़े भाई इस कुर्सी का नुकसान देने की जरूरत नहीं है, चलो भाई ये कुर्सी भी ले लो, चलो चलो। वाह पूरा कंपाउंड खाली हो गया, अब मस्त क्रिकेट खेलेंगे, क्यों फ्रेंड्स? हाँ। कौन है वो? पता नहीं फिर भी नाच रहा है, म्यूजिक। फ्रेंड्स लगता है बाजू की सोसाइटी में किसी की शादी है। बाजू की सोसाइटी में शादी तो ढोल यहाँ क्यों बज रहे? टप्पू आज लंच वही करना है। एक मिनट बस एक मिनट भाई कौन है आप लोग? गोकुलधाम सोसाइटी यही है ना? हाँ गोकुलधाम सोसाइटी तो यही है, लेकिन आप लोग कौन है? जी हमें पोपटलाली से मिलना है। पोपटलाल से आपको क्या काम है? हाँ। वो हम उनको ही बताएंगे, आप प्लीज उन्हें एक बार बुला दीजिए। टप्पू के पापा ये सब लोग ढोल नगारा लेकर पोपट भाई को मिलने क्यों आए हैं? शायद पोपटलाल ने फिर से किसी लड़की को भगाया है। लगता है उसको इस काम में भी मजा आने लगा है, लड़कियों को भगा भगा के उसके प्रेमियों के साथ उसकी शादी करा देने की, एक प्रकार की समाज सेवा। प्लीज हमें बताइए ना पोपटलाल जी रहते कहाँ हैं? वहाँ पे ऊपर। पोपट अंकल, पोपट अंकल, पोपटलाल, पोपट अंकल। हाँ आएगा आएगा पोपटलाल। हाँ बोलो बच्चों। अच्छा वो है पोपटलाल जी? अच्छा अरे बोलना कुछ नहीं है पोपटलाल जी, ढोल धमाके के साथ आपसे कुछ भद्रजन मिलने आए हैं, तो जरा नीचे आइए। हाँ पोपटलाल जी हम सब खास तौर से आपसे ही मिलने आए हैं, आप जल्दी से नीचे आइए। अच्छा अच्छा आता हूँ। सब लगता है पोपट भाई ने कुछ अच्छा काम किया है। थोड़ा धीरे धर अभी मालूम पड़ जाएगा अच्छा किया कि बुरा किया। ओ जरा बात करने दीजिए प्लीज, दो मिनट। कौन है आप लोग और यहाँ यार ये सब क्यों? हाँ हम आपका सम्मान कर रहे हैं, हमें पता चला है कि आपने कैसे अपनी शादी का त्याग करके खुशी खुशी बुलबुल की शादी उसके पसंद के लड़के से करवा दी। देखा देखा ये तो सही बात है,
लेकिन इनको कैसे पता टीवी में आया था? टीवी की दुकान आप संभालते हैं, मुझे क्या पता, आपको पता। सॉरी। इतने साल कबारे होने के बाद भी आपने इतना बड़ा त्याग किया है, आप महान है पोपटलाल जी। मैं तो कहता हूँ कि आप आदर्श कबारे हैं। ओह, सही बात है। नहीं नहीं भाई, मैंने तो इंसानियत के नाते सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई है। पोपटलाल जी, आपने जो काम किया है उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। थैंक यू। पर आप सब है कौन, कहाँ से आए हैं? पोपटलाल जी, हम लोग अखिल भारतीय कुंवारा मित्र मंडल के सदस्य हैं। कुंवारा मित्र मंडल? हाँ भाई। और मैं इस मंडल का सेक्रेटरी प्रेम कुमार। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, नाइस मीटिंग यू। हमारे सेक्रेटरी प्रेम जी की शादी अभी हाल में ही शकुंतला जी से हुई है। अच्छा अच्छा, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अभिनंदन। इसलिए अब हम आप जैसे महान इंसान को अपने मंडल का सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं। नहीं भाई, मुझे क्यों? हमारे सेक्रेटरी का पोस्ट बहुत लकी है। लकी? देखिए, इससे पहले जो सेक्रेटरी थे उनकी शादी 8 साल के बाद हो गई, और प्रेम जी के सेक्रेटरी बनने के बाद 5 साल में ही शादी हो गई। अच्छा 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 अच्छा, ऐसे? आठ माती पांच जा लत्राण। हाँ, तो अगर पोपटलाल तुम बन जाओगे तो 5 माती 3 जाइबे, 2 साल में हो जाएगी शादी। अब बन जाओ सेक्रेटरी, बन जाओ पोपटलाल। हाँ, सही बात। 5-7 साल में भी हो तो क्या शादी होनी चाहिए भाई। सही बात। क्या महत्ता सब अभी। ये कौन है? अब कौन आ गया आती भाई? इनका ही कोई रह गया होगा पीछे। अरे ये तो आशित अंकल है। हाँ। अरे आशित भाई, आशित भाई। हाय आशित अंकल। कैसी है हमारी गोकुलधाम सोसाइटी? बस बस फाइन। अरे आशीष भाई, बाबूजी आशीष आओ। आशीष भाई, पापड़ा जलेबी खाने तो भूला यार। अरे कैसे बात कैसे अभी? दूसरी बार ऐसी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, आशीष भाई खुद बोल रहे हैं पापड़ा जलेबी का। और दया बाबी, आपकी मम्मी कैसी है? तेरी माँ को कौन नहीं जानता। बोलो भाई, आपकी तबीयत फसला से तो हमारी भी तबीयत फसला से। थैंक यू भाई, मुबारक हो, मुबारक हो। थैंक यू। शादी टूट गया, मुबारकबाद दे रहे, कमाल है। क्या जेठा भाई, कैसी है हमारी सोसाइटी? बस गोकुलधाम में हम सब खा पी के मस्त मस्त। अभी आपको देखा तो और भी डबल मस्त। अरे हम सब तो मस्त है आशित भाई, लेकिन ये अचानक गोकुलधाम में आना कैसे हुआ? मैं आज किसी का सम्मान करने आया हूँ। ओहो, आप भी? अरे पोपटलाल, क्या बात है, आज तो बहुत सम्मान पे सम्मान हो रहा है तुम्हारा। मजा हुआ। आज मेरे लिए भी बहुत बड़ा दिन है, कीजिए सम्मान। लेकिन पोपट भाई, मैं आपका सम्मान करने नहीं आया हूँ। अरे बड़े भाई, मेरा सम्मान सुना भाजी, मेरा सम्मान करने वाले। मैंने बोला था ना माधी की, मेरा सम्मान एक दिन होकर रहेगा सोसाइटी में। थैंक यू। भिड़े का सम्मान किस लिए? मुझे नहीं पता। सॉरी भिड़े भाई, मैं आपका भी सम्मान नहीं करने वाला। हाँ, तो फिर किसका सम्मान करने वाले हैं आप? मैं आपके साथ पूरी गोकुलधाम सोसाइटी का सम्मान करने आया हूँ। अरे लेकिन आशीष भाई, हम लोगों ने ऐसा क्या किया, हमें बताइए तो सही। अरे आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। पोपटलाल ने तो अपना प्यार का बलिदान दिया ही, लेकिन आप लोगों ने पोपटलाल का सहयोग दिया और बड़ी धूमधाम से आप लोगों ने राहुल और बुलबुल की यहाँ पे शादी कराई। तो आप लोग रियल हीरो है, तो इसीलिए मैं आप लोगों का सम्मान करना चाहता हूँ। आइए दादाजी, जेठा भाई, बड़े भाई, आइए। से चीज? अरे चीज नहीं बेटा, बोलो घी। हो गया। चीज पर पोपटलाल। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। पोपटलाल जी,
मैं आपको और हमारे दर्शकों से एक वादा करता हूँ। अच्छा क्या? आपकी शादी जल्दी कराऊंगा। अरे वाह। देखो शादी आपकी मैं तय नहीं कर सकता हूँ, जोड़ियाँ बनाना, शादी कराना, ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में। हम लोग पोपट भाई की शादी जरूर करेंगे और ऐसे जोरदार करेंगे कि लोग देखते रहेंगे। क्या बात है, थैंक यू। तो आपकी शादी जरूर कराऊंगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू आशीष भाई, थैंक यू। अब जब आपने बोल दिया तो शादी होगी होगी, और तब तक मेरी ये यात्रा अविरत चालू रहेगी कन्या ढूंढने की। आशा हमेशा अमर होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं हौसला छोड़ने वाला नहीं हूँ। बाकी सब गोकुलधाम सोसाइटी वाले है, सब लोग मेहनत करेंगे। दया भाभी सब लोग है ना दया भाभी? भगवान करे जल्दी से पोपट भाई की शादी हो जाए। हम भी यही चाहते हैं कि पोपट लाल की जल्द से जल्द शादी हो जाए। देखा डिब्बे, तेरा योगदान व्यर्थ नहीं गया, तेरे त्याग की सबने कितनी कीमत की है, तुझे कितना सम्मान मिला। जी चाचा जी। पोपट लाल चिंता मत करो, अभी आशीष भाई ने खुद ने बोल दिया है, मतलब खलास। मतलब की शादी नहीं होगी? अरे नहीं नहीं, मतलब होगी, होके रहेगी। हाँ पोपट भाई, तब तक आप कुंवारा मित्र मंडल के सेक्रेटरी बन जाइए। हाँ बन जा बन जा। ऐसी बात है। दोस्तों कई बार रेलवे स्टेशन पे, बस स्टॉप पे, एयरपोर्ट पे लोगों के सामान की अदला बदली हो जाती है, और जब सामान की अदला बदली हो जाती है तो दोनों पार्टियां बड़ी परेशान होती है। लेकिन यहाँ गोकुलधाम में तो दूल्हे की अदला बदली हो गई, लेकिन दोनों पार्टियां बड़ी खुश है साहब। राहुल को अपना प्यार मिल गया और पोपटलाल को सभी की दुआएं मिल रही है। हम सभी को गर्व है पोपटलाल पे। वैसे कहते हैं ना, अच्छे काम का फल हमेशा अच्छा होता है, और अच्छे काम का साथ भी लोग देते हैं। तभी तो टप्पू सेना और अब्दुल ने आखिरी मिनट पे पोपटलाल का साथ दिया, और देखिए नजारा ही बदल गया। वैसे जिंदगी में बदलाव बड़ा जरूरी है, बदल तो बहुत कुछ गया है, वर्ष बदल गया साहब। कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर बनती है, लेकिन बदलाव तो जीवन का नियम है। 2013 से 2014 में आ गए हम लोग, समय बदल गया, काल बदल गया, वर्ष बदल गया, अंदाज भी बदल गया, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलेगी, आपके घरों की हंसी, क्योंकि उसके लिए हम जो है आपके घरों में हंसी हमेशा बनी रहेगी। और यहाँ अगले एपिसोड में तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो जलसा पार्टी होने वाली है उसे देखना मत भूलिएगा, हंसी के साथ। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।